आज हम यहाँ पे ऑयल पेंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये काफी बड़े साइज में है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने स्केचिंग कंप्लीट कर ली है अपनी इस कैनवास के ऊपर। तो आप देख सकते हैं स्केचिंग किस तरह से करी जाती है, और यहाँ पे परफेक्टली स्केचिंग आपको बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट स्केचिंग। तो स्केचिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तभी आप कलर करना। और यहाँ पे थोड़ा सा कैनवास का टेक्सचर दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसा है आपको। तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ टेक्सचर दिया है मैंने, और ये होममेड है पूरा और बहुत बड़े साइज में है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे, पूरी वीडियोस आएंगी इसकी। काफ़ी सीरीज में इसको बनाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा और पूरी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, और आप सीखते रहेंगे कैसे कैसे यहाँ पे किस तरह से ऑयल पेंटिंग में आप वर्क कर सकते हैं, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियोस। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पूरी किस तरह से मैंने स्केचिंग करी हुई है। एक एक पार्ट्स को हमने पहले स्केच कर लिया है, उसके बाद ही हम इसमें कलर करेंगे। वो काफ़ी आसान रहता है जब आप पूरी तरीके से स्केचिंग कर लेते हैं ओवरऑल पूरी पेंटिंग्स में, और उसके बाद यहाँ पे कलर करते हैं। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे वॉल पे, तो उसके बाद यहाँ पे कलर शुरू करेंगे। क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पे आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे वॉल पे मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने वॉल पे पेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर से टेप से इसको चिपका दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये काफ़ी अच्छी तरह चिपक चुकी है, और अब इसमें बनाएंगे हम। तो आज इस पेंटिंग में आइज बनाएंगे, तो देखने को मिलेगी आपको आइज। तो चलिए देखते हैं ऑयल पेंटिंग से किस तरह से आइज बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम स्किन कलर। तो स्किन कलर बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दे चुका हूँ आपको, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं प्रॉपरली। वहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बताया आपको स्किन कलर आपको किस तरीके से बनाना है। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं ओल्ड जो आपको देखी होंगी आपने, अगर नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं आप, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो आज इस स्किन को बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ आपको चाहिए येलो ओकर, क्रिम्सन रेड, कैडमियम वाइट, रॉ अम्बर, ब्रंट सियाना, अल्ट्रामेरिन ब्लू। अल्ट्रामेरिन ब्लू की जगह आप कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको यूज़ करना है। तो जब आप बार बार इस तरह से मिक्स करके कलर को बनाएंगे स्किन कलर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस मात्रा में आपको कलर मिक्स करना है और किस लेवल तक उसको मिक्स करना है, ताकि आपका जो स्किन है, स्किन टेक्सचर है, वो काफ़ी स्मूथली आ जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन आप बना पाए। तो इस तरीके से आप जब करते रहेंगे, इसमें वर्क करते रहेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पता चलता रहेगा कि आपको कौन सा कलर कितना मात्रा में यहाँ पे मिक्स करना है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान दें, और जो कलर मिक्सिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। एक ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं आप, कलर मिक्सिंग पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो स्किन कलर से रिलेटेड एक वीडियोस में पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप की जो स्किन टोन्स रहती हैं किस तरह से रहती हैं, और उसके शेड्स किस तरह से बनाने हैं आपको, उसमें डार्क कलर किस तरह से करना है और किस तरह से उसकी टोन्स बनानी है। तो पूरी प्रॉपर तरीके से एक अलग सी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज यहाँ पे हम जो भी एरिया बना रहे हैं, जो हम आईज का एरिया बना रहे हैं, जो डार्क कलर है उस जगह हम डार्क कलर लगा रहे हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं, और जहाँ पे मुझे जो कलर है यहाँ पे सुटेबल है आपके फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग या फिर आपकी स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग, तो वो कलर वहाँ पे आपको देना है। गालों के ऊपर जो थोड़ा सा वाइटनेस रखनी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि उभार लाना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइट मिक्स करके ही यूज़ करना है। और साइडों में आपको थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करने हैं, मतलब स्किन टोन्स के डार्क टोन, डार्क शेड लगाने हैं आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको प्रॉपर उसी जगह पे वो वाला कलर यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहती है, काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं एक पोर्ट्रेट जो फेस रहता है। और इस तरीके से आप लगाने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे अब मिक्स कर रहा हूँ कलर को। एक आप सूखा ब्रश ले लीजिए, ड्राई ब्रश ले लीजिए, जिसके बाल सॉफ्ट हों थोड़े से। उसके बाद आप पूरे ओवरऑल फेस में उसको बिल्कुल रफली आप हाथों से
एकदम स्मूथ हाथों से उसको बिना विदाउट प्रेशर के, प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको स्किन मिल जाएगी, एक ही बार में ये स्किन मिल जाएगी आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसी जगह पे कलर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर और जहाँ पे भी आपको लाइट करना है वो लाइट कर सकते हैं आप। थोड़ी सी आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शंस पे ध्यान देना है, आईज के जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उन पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे लाइट हमारी आएगी, कहाँ पे हमारी डार्कनेस आएगी। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो आप ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और भी तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से आएंगी आपको जब आप बनाने लगेंगे, तो जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑब्जर्व करने की आपकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, कि आप कहाँ पे लाइट देनी है आपको, किस जगह पे आपको शेड देना है, किस जगह आपको मिडिल टोन्स देनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कल को इसकी पूरे फेस की वीडियोस मिलेगी आपको, अभी फ़िलहाल हम इसको इतना ही बना रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।